माशाल्लाह कितना खूबसूरत इन्होंने फॉर्म बनाया हुआ है, फुल ग्रीनी एरिया दिया हुआ है जहाँ बर्ड को ना नेचुरल फील हो। आज हम लोग लेके आने वाले अपने फार्म के लिए चाइनीज डफ के दो पेयर, ठीक है। और अभी मुझे बहुत पसंद आ गए हम लोग, इंशाल्लाह वो आज लेके आएंगे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि हम लोगों ने चाइनीज डफ के पेयर को रखना कहाँ है। हमारे पास सिर्फ एक छोटा सा केज है, और लेकिन छोटे से केज में हमने बिल्कुल नहीं रखना। इसके अलावा हमारे पास स्टोर में एक कॉटेज पड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा खूबसूरत कॉटेज है, और वो लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को रिपेयर करना पड़ेगा। तो हम लोग चलते हैं अपने कॉटेज पे और कॉटेज आपको दिखाते हैं। आप लोगों ने बताना है कि हम कॉटेज में रखें या फिर जो है वो एक छोटा सा पिंजरा सा बना हुआ है उस पे रखें। आए चलते हैं कॉटेज पे। माशाल्लाह व्यूअर्स, आज हम लोग आए हैं जो है वो डव परचेज करने के लिए। माशाल्लाह ये इनका फॉर्म पहले तो आप चेक करें, माशाल्लाह कितना खूबसूरत इन्होंने फॉर्म बनाया हुआ है, फुल ग्रीनी एरिया दिया हुआ है जहाँ बर्ड को ना नेचुरल फील हो। और इन्होंने अपने घर के लिए मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं। आप लोग भी अपने छत पे इस तरह का सेटअप अच्छा सा बना सकते हैं। और ये माशाल्लाह आप चेक करें, ये डव है जो हम इनसे परचेस करने भी आए हैं। तो व्यूअर्स, अब हम लोग आ गए, अंकल जो है हमारे लिए पकड़ रहे हैं पेयर्स, वो पेयर्स मैं आपको दिखाता हूँ। मैं लेके आ चुका हूँ अपना कॉटेज जिसमें हम रखने वाले हैं अपने डव को। इस टाइम जो कॉटेज की हालत है वो बहुत ज्यादा खराब हुई हुई है, क्योंकि ये बहुत टाइम से स्टोर में ऐसे ही गल सल रहा था और इस पे पानी भी बहुत ज्यादा गिरता रहा है। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये खराब है, इसको हम करें रिपेयर, और रिपेयर करने के बाद हम अपने डव को इसमें लेके आते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी हालत कैसी हुई हुई है। आए सबसे पहले तो यहाँ पे फ्रंट आपको मैं एंड में दिखाऊंगा। ये इस टाइम इसकी हालत है, इसमें जाली जो है ये बहुत पुरानी थी, थोड़ी सी कच्ची भी हुई हुई है, और ये तो एक फट्टी वैसे ही निकल चुकी है। मैं ये देखें, ये जाली तकरीबन सारी टूटी हुई है। हम लोग को इस जाली को, ये तो ऐसी है जैसे रैपर है, हमें इस पूरी जाली को रिपेयर करना पड़ेगा। हम लोग को इस जाली को पूरा रिपेयर करना पड़ेगा, इस पे न्यू जाली लगेगी और इस पे तो काफी वैसे टाइम लग जाएगा। इधर है ये साइड इसकी कॉटेज की, ठीक है, गुजारे लायक है। अभी इसको टाइम कितना हो गया? इसको कम से कम 3.5-4 साल हो गए इस केज को। और मजे की बात बता दूं, इस कैमरे के पीछे जो बंदा है ना, उसने ही एक कॉटेज बनाया था, साथ में मैंने उसकी थोड़ी बहुत हेल्प की थी, और माशाल्लाह से बहुत प्यारा बनाया था। ये देखे इसकी हालत, ये जाली बहुत ज्यादा खराब हो गई है। खराब क्या, ये तो पूरी जाली न्यू लगने वाली। अच्छा, मैं सोच कह रहा हूँ, करते ही ये हम इस जाली को पूरा नहीं लगाते, हम यहाँ पे एक छोटा सा मिनी दरवाजा बनाते हैं, ठीक है, मिनी डोर बनाते हैं, जिसमें हम लोग हाथ डाल के उनको खाना और पानी दे सकें। क्योंकि अगर हम मेन डोर से देते हैं, और क्योंकि हम लोगों ने कॉटेज को रखना है बाहर, और वो डफ उड़ गई तो फिर उन्होंने वापस तो आना नहीं है। मेन डोर भी खोल के दिखाओ ना। मेन डोर भी मुझे, मैं खोल के दिखाता हूँ। व्यूअर्स, ये इसका मेन डोर है, जो कि थोड़ा सा जो है वो मेरे ख्याल में खराब ही हुआ है। थोड़ा सा, और
और ये हाँ ठीक है, काफी हद तक ठीक है। बस ये है कि इसको हम लोगों को यहाँ पे इसको वापस से जोड़ना पड़ेगा। और अच्छा व्यूअर्स, आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि डब जो है वो पालतू होती है या नहीं होती। मतलब वो ऐसा तो नहीं होगा कि अगर मैं वैसे उन्हें बाहर खोलूं तो वो हमेशा के लिए भाग ही जाए। डब को अगर मैं खोल दूं ओपन, जैसे हम अपने पिजन्स को खोल देते हैं और वो वापस आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि डब को खोलूं और डब कभी वापस ही ना आए। तो इसमें मैं रखने की सोच रहा हूँ, थोड़ा सा रिपेयर हम लोगों को करना पड़ेगा। अंदर से भी व्यू दिखा देता हूँ मैं आपको। प्यारा बना रहा है। अच्छा ऊपर मैंने बनाया था ना, इसीलिए ऊपर ऊपर की तरफ ना हम वो इनके जहाँ पे वो अंडा देती है ना नेस्ट, वो जो इनका मिलता है वो परचेज करके ना ऊपर वो लगा देते हैं। या आतिफ एक और काम करते हैं, क्यों ना हम लोग जो हमारा छोटा केज पड़ा हुआ है, छोटा जो पिंजरा पड़ा हुआ है, उसको हम लोग कबूतर के अंदर फिक्स करते हैं, कबूतर के केज में, और उनको खोल देते हैं। ये भी हो सकता है, कमेंट में बताएंगे लोग। कमेंट में बताइएगा, मैं आप लोगों को छोटा सा केज दिखाता हूँ। आ जाओ व्यूअर्स, हम एक काम करते हैं, हम करते ये है कि इसको हम लोग फिक्स करते हैं पिजन्स के कॉटेज के अंदर, और इसका जो ये दरवाजा है ये वैसे ही इसे हम वैसे करके खोल देंगे। इधर उनका खाना रख देंगे, इधर पानी रख देंगे, बल्कि पूरा नहीं खोलेंगे। ये जो छोटा सा दरवाजा ना, इसको हम साफ सुफ करते हैं, इसको सही सुई करते हैं। लेकिन एक मसला भी तो है ना, क्या अगर जो है ना वो हमारे पिजन दूसरे इसमें चले गए तो नहीं जाएंगे ना, इतनी सी जगह में कैसे जा सकते हैं ये छोटे सुराख। तो बड़े वाला दरवाजा नहीं खोलेंगे, बड़े वाला दरवाजा हम खोलेंगे नहीं, हम इसको बंद रहने देंगे और छोटे दरवाजे से ही वो इन आउट हुआ करेंगे। लेकिन मसला ये है कि पिजन कॉटेज में भी थोड़े सुराख हुए हुए हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कि व्यूवर्स ये वाला सुराख चेक करें, इसमें से डब बाहर आ सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारे सुराख हैं, चलते हैं हम अंदर और देखते हैं। अच्छा इधर तो कोई सुराख नहीं है, इधर से निकलने के तो कोई चांस नहीं है। ऐसा ना हो कि डब इस पाइप के अंदर जाए और इधर से ऊपर चली जाए, ये भी हो सकता है। बाकी इन इन सुराख की तो खैर है। अच्छा इन्होंने अपना सारा खाना, यार ये क्या गन शन यहाँ पे सिमेटा सारा का सारा किया हुआ है, बुरा सा बनाया हुआ है कॉटेज को। रोटी इन्होंने खा ली है, पिजन्स बड़े खुश हैं जो हमारे न्यू पिजन्स आए हैं माशाल्लाह से। अब व्यूवर्स ये देखें, पता लगे डब को मैं यहाँ पे रखूँ, डब यहाँ से होते हुए यहाँ से निकल के और अंदर भी कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में सुराख हुए हुए हैं, ये इधर से निकल के भाग ही ना जाए। बाकी जगहों की तो खैर, तो हम करते ही ये हैं कि ओ डर गया और मुझे भी डरा दिया। तो व्यूवर्स मैंने क्या किया है, मैंने एक जुगाड़ी काम किया है, मैं आपको जुगाड़ी काम अपना दिखाता हूँ। मैंने इनको इस तरह बंद किया, जो जो चीज़ें पड़ी थी मैंने ये लगा दी है और बंद कर दिया है, और इनके साथ साथ मुझे भी बंद कर दिया गया है, मुझे अजहान ने बंद कर दिया। अजहान प्लीज़ दरवाज़ा खोलें। तो बंद किसने किया है? आदित्य ने बंद किया, क्या आपने किया? आपने बोला था मुझे, आपने बोला था ना, आपने बोला था कि मैंने खुद किया। उन्होंने खुद किया। अच्छा मैंने खुद किया। आदित्य जी फिर खोलें मुझे। चलो मैं खोल दे दो फिर। नहीं नहीं खोलोगे। प्लीज खोल देना, अपने पिजन को खोल दे वरना मैं भाग जाऊंगा। किसने किया मुझे? व्यूअर्स मुझे बंद कर दिया है अजहान ने और मुझे बिल्कुल भी खोल नहीं रहा है। प्लीज खोल दे, खोल दे, मैं ताकि डब लेके डब लेके आऊंगा, मैं डब लेके आऊंगा फिर। चलो ओपन करो भाई, वो डाली है वो सारी, तभी भाग के चली गई है जी। तो फाइनली मुझे अजहान ने आजाद कर दिया है, और भाई के काम चक्कर मैंने मना भी किया है कि बॉल ना फेंकना, जानबूझ के फेंकी है, और सारे डरने लग गए हैं, बॉल से डरते हैं। इस छोटे के भी यही काम है, अजहान साहब भी आते हैं और इस तरह ही जो है ना पिजन्स को डराते हैं। तो व्यूअर्स ये जुगाड़ी काम हम लोगों ने किया है, मैंने ये केज पड़ा हुआ था इसको फिलहाल यहाँ पे लगा दी है, कीले ठोक दी है, और
सेवे से मैंने इसको बांध दिया ताकि ये फिक्स्ड हो जाए पक्का और ये गिरे ना। ये हमने जुगाड़ी काम आज किया है और कल हम इंशाल्लाह कॉटेज को अपने ठीक करेंगे। इसमें हम लोग डफ को आराम से यहाँ से खाना और पानी डाल सकते हैं। ये पक्का क्लोज रहेगा और ये छोटी सी जगह ओपन रहेगी, उन्होंने की ब्रीडिंग करनी होगी इधर। इसका फायदा क्या है, ना कबूतर अंदर जा सकेंगे और ये डब आराम से अंदर जाएंगी, यहीं से बाहर आएंगी और अपने पूरे के पूरे इस एरिया में खेलेंगी। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपनी डब को लेने के लिए।